नमस्कार दोस्तों, डिजिट हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम तीन स्मार्टफोन्स का कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। ये तीनों स्मार्टफोन्स 15,000 से नीचे हैं और ये अपने सेगमेंट में काफ़ी पॉपुलर हैं इस वक्त। सबसे पहला फ़ोन है असूस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2, दूसरा फ़ोन है शाओमी का रेडमी नोट 6 प्रो और तीसरा फ़ोन है सैमसंग का गैलेक्सी M20 जो हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों फोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो 13 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी सेंसर है उसमें f1.9 अपर्चर है। सैमसंग M20 का जो सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 की बात करें तो आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसमें जो 12 मेगापिक्सल वाला सेंसर है उसमें f1.8 अपर्चर है और इसका जो सेल्फी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है। और अंत में Redmi Note 6 Pro में 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। जो 12 मेगापिक्सल का सेंसर है उसमें f1.9 अपर्चर है और इस फोन में आपको एक डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कैमरा कंपैरिजन की और सबसे पहले हम देखेंगे कि किस फोन के कैमरा में आपको सबसे ज्यादा डिटेल्स और शार्पनेस देखने को मिलती है। हमने तीनों फोन से क्लोजअप शॉट्स क्लिक किए हैं और सेम सब्जेक्ट के, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों फोटोज में आपको काफी अच्छी डिटेल्स और शार्पनेस देखने को मिल रही है। लेकिन गैलेक्सी M20 वाली फोटो में कलर्स वॉश्ड आउट दिखाई दे रहे हैं, वहीं ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 की फोटो में सैचुरेशन थोड़ा सा ज्यादा है। Redmi Note 6 Pro वाली फोटो में सबसे अच्छी डिटेल्स हैं और सबसे एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि क्लोजअप शॉट्स के मामले में Redmi Note 6 Pro सबसे अच्छा फोन है। अब बढ़ते हैं लैंडस्केप फोटोज की तरफ। Samsung Galaxy M20 से क्लिक करी गई फोटो में हमें एक्स्ट्रा शार्पनेस देखने को मिलती है, जैसे कि इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो कुछ ज़्यादा ही शार्प दिखाई दे रही हैं। और हमने सेम सीन की एक वाइड एंगल फोटो भी क्लिक करी और Samsung M20 में हमें बैरल डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम देखने को मिली, यानी कि जो ऑब्जेक्ट कॉर्नर्स में है वो टेढ़े दिखाई देते हैं। Samsung आपको शेप करेक्शन का फीचर तो देता है लेकिन इससे फोटो काफ़ी ज़्यादा क्रॉप हो जाती है। Redmi Note 6 Pro का जो AI सीन रिकग्निशन फीचर है उसने काफ़ी अच्छे से काम किया है और हमें काफ़ी वेल कम्पोज्ड फोटो देखने को मिलती है। ज़ेनफोन Max Pro M2 ने एक एवरेज फोटो क्लिक करी है क्योंकि इस फोटो में हमें ज़्यादा वाइब्रेंस देखने को नहीं मिलती, यानी कि लैंडस्केप फोटोज़ के लिए भी Redmi Note 6 Pro सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं HDR फोटोज़ की। गैलेक्सी M20 में काफ़ी अच्छी डिटेल्स निकल कर आती हैं और इस फ़ोन के कैमरा का जो HDR एल्गोरिथम है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में HDR मोड ऑन करने के बाद भी हमें अच्छी डिटेल्स देखने को नहीं मिली। लीव्स यानी कि जो पत्तियां हैं वो काफ़ी डार्क दिखाई दे रही हैं और जो कलर्स हैं वो भी अच्छे से निकल के नहीं आए। Redmi Note 6 Pro ने अच्छी फोटो क्लिक करी है लेकिन पीछे जो स्काई है वो काफ़ी ज़्यादा वॉश्ड आउट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब गैलेक्सी M20 की HDR फोटोज़ सबसे अच्छी हैं। और अब बात करते हैं लो लाइट फोटोज़ की। सबसे पहले इन तीनों फोटोज़ को हम कंपेयर करेंगे। Samsung Galaxy M20 वाली फ़ोटो ब्लर्ड दिखाई दे रही है, फ़ोटो में बिल्कुल भी डिटेल्स मौजूद नहीं है। ज़ेनफोन Max Pro M2 वाली फ़ोटो में जो आग की लपटें हैं वो येलो वाटर कलर की तरह दिखाई दे रही हैं और शार्पनेस नहीं है इस फोटो में। Redmi Note 6 Pro से अच्छी फ़ोटो निकल कर आती है, जो आग की लपटें हैं वो शार्प और क्लियर दिखाई दे रही हैं। और ये हैं दो और कंपेरिजन शॉट्स और इन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि Redmi Note 6 Pro सबसे अच्छी लो लाइट फोटोज़ क्लिक करता है। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड के बारे में। ज़ेनफोन Max Pro M2 और Redmi Note 6 Pro के सेकेंडरी सेंसर पोर्ट्रेट फोटोज़ क्लिक करने में मदद करते हैं लेकिन Galaxy M20 सॉफ्टवेयर की मदद से पोर्ट्रेट फोटोज़ क्लिक करता है। Redmi Note 6 Pro और Max Pro M2 पर आप बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ये फीचर Samsung M20 में अवेलेबल नहीं है। तीनों फोन्स की पोर्ट्रेट फोटोज़ ने हमें ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तीनों फोटोज़ फोटोशॉप पर एडिट करी गई हैं। लेकिन कंपैरिजन के लिए अगर बात करें तो गैलेक्सी M20 की जो पोर्ट्रेट फोटो है वो काफ़ी आर्टिफिशियल दिखाई देती है, लेकिन ज़ेनफोन Max Pro M2 की फ़ोटो गैलेक्सी M20 से बेटर है और बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। Redmi Note 6 Pro की फ़ोटो में ब्राइटनेस अच्छी है लेकिन जो रेड टी शर्ट है वो थोड़ी सी पिंक दिखाई दे रही है, अदरवाइज बैकग्राउंड ब्लरिंग Max Pro M2 से थोड़ी बेटर है। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट फोटोज़ के मामले में Redmi Note 6 Pro तीनों फोन्स में से सबसे अच्छा है।
और अब हम बात करेंगे सेल्फीज़ के बारे में। गैलेक्सी M20 की फ़ोटो में जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी वाइट यानी कि सफ़ेद दिखाई दे रहा है। मैक्स प्रो M2 की जो सेल्फी फ़ोटो है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन इसमें नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है और इस फ़ोन में पोर्ट्रेट सेल्फी का ऑप्शन नहीं है। Redmi Note 6 Pro का जो फ्रंट कैमरा है वो पिक्सल बिनिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे कि हमें काफ़ी डिटेल्ड सेल्फी देखने को मिलती है और इसमें कोई भी अजीब सा ब्यूटी इफेक्ट मौजूद नहीं है, जो कि अच्छी बात है। और पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करें तो Redmi Note 6 Pro की पोर्ट्रेट सेल्फी काफ़ी बेटर है। तो ओवरऑल हमने इस कंपैरिजन में देखा कि Redmi Note 6 Pro का कैमरा बाकी दोनों फ़ोन्स के मामले में काफ़ी अच्छा है, और अगर आप 15,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में एक ऐसा फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं जिसका कैमरा सबसे अच्छा हो, तो आपको Redmi Note 6 Pro कंसिडर करना चाहिए। फर्स्ट पे हम रखते हैं Redmi Note 6 Pro को, सेकंड पे हम रखेंगे Zenfone Max Pro M2 को और थर्ड पे हम रखेंगे Galaxy M20 को। हमें काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी Galaxy M20 के कैमरा से, क्योंकि Samsung ने काफ़ी समय बाद एक बजट मिड रेंज फ़ोन लॉन्च किया, वो भी भारत में सबसे पहले लॉन्च किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है। और इस कंपैरिजन में जैसा कि हमने देखा Redmi Note 6 Pro का कैमरा सबसे बढ़िया है, उसके बाद Zenfone Max Pro M2 और उसके बाद आता है Galaxy M20। तो अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए। आपका क्या कहना है इस कैमरा कंपैरिजन के बारे में और जो हमने फोटोज़ आपको दिखाई, क्या कहना है आपका फ़ोटो क्वालिटी के बारे में? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और डिजिट हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। धन्यवाद।